तक वेजिटेबल क्लस्टर की बात कर रहे हैं तो हमने एक वेजिटेबल क्लस्टर जो होट और थ्रोट वेजिटेबल क्लस्टर लिया है, और पिछले दिनों डीसीएम ने वहाँ का दौरा किया था तो देखा वहाँ लोगों को वेजिटेबल का बड़ा शौक है, लेकिन सबसे जो मेन प्रॉब्लम है उस एरिए की वो कंडी बेल्ट है, इरीगेशन का कोई सोर्सेज नहीं है, और लोग एक ही सीजन में खीरे की क्रॉप, कुकरबिट्स की क्रॉप, जैसे खीरा कद्दू करेला इसकी क्रॉप लेते हैं, लेकिन दूसरे सीजन में वो क्रॉप नहीं ले पाते क्योंकि उनको इरीगेशन का कोई सोर्स नहीं है। तो हमने डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट इसी होट और थ्रोट विलेज के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट का मेन मुद्दा यह है कि इनको राउंड द ईयर वेजिटेबल उगाएं, राउंड द ईयर वेजिटेबल उगाने से इनकी इनकम जो है वो थ्री फोल्ड में बढ़ जाएगी, और साथ में सबसे बड़ा ये है कि ये लोग फर्टिलाइजर का मिनिमम यूज़ करते हैं, सारी ऑर्गेनिक बेस्ड वेजिटेबल होंगी, और ये लोग डायरेक्ट अपनी वेजिटेबल जो है लखनपुर के एरिए में ला के वहाँ मेन लखनपुर जो मेन पॉइंट है वहाँ पर बेच सकते हैं, और ऑर्गेनिक वेजिटेबल की वहाँ पर अच्छी प्राइस उनको मिल सकती है। पर मेरे गांव के सभी भाई जो जितने भी लोग हैं किसान लोग हैं सभी खेतीबाड़ी करते हैं, और जहां पे बहुत कम लोग जो हैं वो नौकरी पेशे वाले हैं, जहां पे ज्यादातर लोग किसान हैं, जहां पे ये है कि पहले का जहां पे 10 साल पहले एक खीरे का प्रोजेक्ट चल रहा था, एक ही घर के लोग सिर्फ खीरा लगाते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे हमारे जो यहाँ पे फील्ड ऑफिसर आए हैं उन्होंने हमें सब्जियों के बारे में बताया है कि आप अगर ऐसे हमारी जहाँ पे जो सब्जियाँ लग रही हैं उन्होंने बताया हमें, टाइम टाइम पे हमें वो सजेशन कर रहे हैं कि आप अगर सब्जियाँ लगाओगे यहाँ पे सब्जियों की अब बहुत अच्छा वो होगा। पहले यहाँ पे हम लगाते थे सब्जियाँ लेकिन बहुत कम लगाते थे, पानी की यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत थी उसके बारे में, अगर यहाँ पे पानी होगा तो हम ऐसे भी सर्दियों में भी सब्जियां लगाएंगे, अभी जैसे बरसात का मौसम आ रहा है तो पानी के बारिश पे डिपेंड है, बारिश हो रही है टाइम टाइम से, तो यहाँ पे सब्जियां हमने खीरा लगाया है, भिंडी लगाई है, करेला लगाया है, तोरी लगाई है, और हमारी ये है कि एक हमारी यहाँ पे जो सब्जी है ये प्योर ऑर्गेनिक है, यहाँ पे हम इसमें कोई भी खाद नहीं डालते हैं, इसकी हमें जैसे भी हमारे इसकी खेती है हम इसको अपनी पूरी टोटली निगरानी से कर रहे हैं, और साथ साथ में मैं ये भी है कि जो हमारे ऑफिसर हैं वो हमें टाइम से बता रहे हैं कि इसको आपने किस तरीके से लगाना है और इसको किस तरीके से वो करना है, इसकी अच्छी तरह से वो करना है, देखभाल कैसे करनी है।